Everyone, welcome back and स्वागत है सभी का फिर से एक और नए Clash of Clans के एपिसोड में। Finally, नया जो इवेंट है वो आ चुका है guys। आप देख सकते हो यहाँ पे सुपर आइस बात लाइस सीजन भी आया था, अब तो ये कोई नया इवेंट लगता नहीं है और हर महीने आ रहा है। एक कुछ महीने पहले ऐसा लग रहा था कि भाई स्पेशल इवेंट है, मस्त मज़ेदार कड़क, बट वो वाली एक्साइटमेंट नहीं है डेफिनेटली। बट इस सीजन अच्छा चीज़ ये है कि कोई नया इक्विपमेंट देखने को नहीं मिलेगा, तो हम ईजिली रिलैक्स कर सकते हैं एंड अपने ओर्स को इकट्ठा करके अपने इक्विपमेंट्स अपग्रेड करने में फोकस कर सकते हैं। आज गाइज हम डीप डाइव करेंगे कि कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए इस इवेंट में, तो डेफिनेटली उन चीज़ों से शुरू करेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करना है और पास के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप पास उठाना चाहते हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, 449 इसकी प्राइसिंग रहेगी। एक्स्ट्रा रिवॉर्ड जो आपको मिलेंगे वो अगर आप देखोगे तो आपको 5000 ज़्यादा मेडल्स मिलेंगे, सुपर मेडल्स, 600 ग्लोई ओर्स और 80 जो आपको स्टारी ओर्स मिलेंगे। तो इनमें सबसे बड़ा हाईलाइट जो है वो ऑब्वियसली 600 ग्लोई ओर्स हैं और 500 आपके एक्स्ट्रा मेडल्स, और बाकी जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हो। यहाँ पे 30% पर्क तो सभी को मिलेगा, बट ये एक स्टैचू टाइप है जो आपको मिलेगा अगर आप पास परचेस करते हो, जिसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इंटरेस्टेड इस चीज़ में हूँ कि अगर आप फ्री प्लेयर हैं तो आपको 3150 आपको सुपर मेडल्स मिलेंगे एंड देन कुछ बोनस भी मिलते हैं, तो वो आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे, और अगर आप पास परचेस करते हो तो भी आप एक्स्ट्रा मेडल्स कहाँ इन्वेस्ट करोगे? डेफिनेटली ग्लोई ओर्स, यस मैं हाईली रिकमेंड करूंगा ग्लोई ओर्स। अगर आप अकाउंट पे जाओ, मैथ्स पे जाओ तो देखोगे 1500 पे 400 मिल रहा है, मतलब 3000 तो आपको ऐसे ही मेडल्स मिलेंगे, तो 3000 आप यहाँ पे 800 ग्लोई ओर्स उठाओगे एंड देन जितना बढ़ेगा उसके नीचे ऑप्शन आपको दिखेगा, यहाँ पे 15 टाइम्स आप ले सकते हो 60 ग्लोई ओर्स 280 से। इसका मतलब अगर आप पास परचेस नहीं भी कर रहे हो तो जितना आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है, सब यहाँ पे डालो, और अगर आप पास परचेस कर रहे हो तो ये दोनों टिक, मतलब ये दो पे दो होना चाहिए आपके ग्लोई ओर्स और नीचे आपके 15 पे 15 होने चाहिए अगर आप पास परचेस कर रहे हो। उसके बाद आप कुछ भी लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहो तो स्टारी ओर्स लो, शाइनी ओर्स लो, चाहो तो नीचे जाके कोई मैजिक आइटम्स लो, रिकमेंडेड नहीं है बट फिर भी मैं बोलूंगा कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट डेफिनेटली ग्लोई ओर्स आपको मिस नहीं करना। तो यहाँ पे 800 और यहाँ पे 60 करके 15, तो इतने सारे ग्लोई ओर्स पहली बार मैं देख रहा हूँ इस इवेंट में। और अगर आप पास परचेज कर रहे हो तो 600 जो आपको ट्रैक में मिल रहे हैं वो अलग से, भाई मेरा भी मन लग जा रहा है, पता है, डेफिनेटली सच बता रहा हूँ, मेरा भी मन लग जा रहा है। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि लूँ या ना लूँ, अभी मैं पता नहीं, श्योर नहीं हूँ। आप लोग भी बताना कि आप लोग लेना चाह रहे हो नहीं लेना चाह रहे हो, और प्लीज़ गाइस थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग जो हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं, अगर आप कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो प्लीज़ चैनल की मेम्बरशिप लो, इससे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा मुझे। तो प्लीज़ गाइस अगर आप पॉसिबल है आपके लिए तो प्लीज़ डेफिनेटली मेंबरशिप का एक बार ज़रूर चेकआउट करना। एंड हम क्या करने वाले हैं, देखो मैं रॉकेट लून्स यूज़ करने का सजेशन दूंगा सबको। अगर आप दो रॉकेट लून्स यूज़ करते हो तो आप फुल जो एक्स्ट्रा आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, जो एक्स्ट्रा आपको क्यूब्स मिल रहे हैं, आइस क्यूब्स, जिससे आपका ट्रैक जो है वो जल्दी कंप्लीट होगा, तो वो होगा। मैं अभी थोड़ी सी चेंज की है मैंने अपनी आर्मी में, एक रॉकेट लून मैं क्लाइन कासल में ले रहा हूँ और एक मैं खुद का ले रहा हूँ, तो वो एक सीन है। तो अगर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप जल्दी अपना ट्रैक कंप्लीट करने के लिए आप कर सकते हो। पूरी आर्मी चेंज करना तो मुश्किल है क्योंकि लेजेंड्स में खास करके मुश्किल है। अगर आप लेजेंड्स में नहीं हो, लोअर लीग में हो और सिर्फ फार्म के ऊपर सोचते हो, तो फिर आप तो भाई आराम से इलेक्ट्रो ड्रैगन्स का रॉकेट लून्स लेके कुछ भी कर सकते हो, या फिर और भी कुछ अलग अलग स्ट्रैटेजीज डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। तो हम यहाँ पर जाएंगे अभी फटाफट एक अटैक करने, लेट्स गो एंड देखते हैं कि अटैक बेस कैसा मिलता है। और ओह भाई टट्टी, ये बेस, माय गुडनेस, ओके चलो 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 ठीक है, कोई बात नहीं। ओके ठीक है, कहाँ से शुरू करें वही सोच रहा हूँ मैं, यहीं से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले एक बाबेरियन यहाँ पे एंड देन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपना फ्लेम फिंगर, राइट, नाइस। ओके तो फ्लेम फिंगर को यहाँ पे थोड़ा सा सेटअप होने देते हैं, तब तक यहाँ पे एक दो, ओके यहाँ पे एक पॉइजन रेडी, यहाँ पे क्वीन, यहाँ पे हीलर्स एंड एक टेस्ट लून, एक टेस्ट लून इस साइड से, ओके नाइस। यहाँ पे वॉल ब्रेक, बढ़िया। अब अच्छी बात यह है कि सीसी हमने बहुत पुल कर लिया, तो उसका खतरा नहीं है, मोनोलिथ का खतरा नहीं है, वरना मोनोलिथ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है फंसा देता है इस बेस में। बट अब हम बहुत ही इजी हैं, टाइम का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं, अभी तक हम सही जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे स्केली, लेट हो गया मैं हमेशा स्केली डालने में लेट होता, हमेशा, ऐसा नहीं है कि आज हुआ हूँ, ये
होता ही है मेरे साथ, बट ठीक है चलो। अब यहाँ पे जैसे ही पॉपअप होगा वैसे हम एक हेड एंटर ड्रॉप कर देंगे, एक और, नाइस, परफेक्ट। अब यहाँ से हमारा फनल जो है वो सेटअप हो जाएगा। एक वॉल ब्रेक यहाँ पे, एंड देन हम यहाँ पे अपने सारी ये चीज़ें ड्रॉप करेंगे। लेट्स गो ऑल आउट। ले यार यहाँ पे इतने सारे ट्रैप्स थे कि क्या ही बोलूँ मैं। वहाँ पे सोच रहा था कि निकल जाएगा बट ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, चलो कुछ रूट राइडर्स आ रहे हैं कोर में, दैट्स गुड, बट मेजॉरिटी जो रूट राइडर्स हैं वो आए नहीं हैं, तो इतने कम रूट राइडर्स से काम हमारा बनेगा नहीं, तो अब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। ओके, बाकी रूट राइडर्स भी आ रहे हैं। किंग की एबिलिटी यूज़ करता हूँ ताकि फनल हो जाए और सारी चीज़ें जो है वो अंदर ही रहे। नहीं यार मत आओ ना इस तरफ, क्या करूँ, सारी चीज़ें जो है वो आउटसाइड चली गई यार। पता नहीं कोर में अब कब जाएंगी, टाइम भी इशू हो रहा है, अब 56 सेकंड्स बचे हैं। जल्दी करना पड़ेगा, सब ड्रॉप कर देते हैं भाई, क्योंकि बाद में वेट करने जाएंगे तो फिर फंस जाएंगे। यहाँ पे ये 44 सेकंड्स, यार ये वन स्टार ना हो जाए उसी का डर लग रहा है मुझे। एक दो, यहाँ पे ये किंग आ रहा है, दैट्स गुड, किंग आ रहा है। 31 सेकंड्स, आई थिंक मुझे एक रेज करना है यहाँ पे। लेट्स गो, कम ऑन आरसी, कम ऑन, जल्दी सब सुस्ती मत दिखाओ। वॉल भी ओपन नहीं है, बट वॉल तो ओपन हो जाएगा, आरसी एबिलिटी यूज़ कर लेते हैं। कम ऑन क्वीन, क्वीन की एबिलिटी भी यूज़ कर लेते हैं। ओहो यार, शट यार, कम ऑन, टाउन हॉल एटलीस्ट 7 सेकंड्स 6 सेकंड्स, आई थिंक वन स्टार हो जाएगा ये। ओ भाई, लास्ट सेकंड, बच गए। मेरे को अंदर से पूरी फीलिंग आ रही थी कि वन स्टार हो जाएगा। बोनस यूजिंग रॉकेट बलून्स 173, कितना मेरे को लग रहा था कि 170, कितने बोनसेस मिलते हैं भाई। आइस क्यूब 345, यही हाईएस्ट बोनस है क्या 173? आई थिंक बाद में जाके बोनस बढ़ेगा शायद, अभी इतना ही हाईएस्ट बोनस है। वी आर ऑल सेट, आर्मी हमारी रेडी हो चुकी है, और मुझे लगता है कि एक रॉकेट लून से भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने एक लेके देखा था, तो जितने मुझे आइस क्यूब्स मिले एक्स्ट्रा बोनस, उतने ही मुझे दो लेने पे भी मिले, तो एक लेने से आपका काम बन जाएगा। लेट्स गो, देखते हैं नेक्स्ट बेस। अरे क्या हो रहा है ये, सेम टाइप के बेसिस आ रहे हैं बार बार। ओके, कैसे करना है। चलो एक प्लान तो मैंने सोचा है, देखते हैं कि वर्क करेगा या नहीं। 1 2 3, क्वीन यहाँ, ओके, एक यहाँ, ओके। ये फ्रोजन एरो की वजह से ना क्वीन भी क्वीन बड़ा मजा आता है, मतलब किंग भी क्वीन अभी भी आपको थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, मतलब आपको अभी भी हेड हंटर की जरूरत पड़ेगी, बट क्वीन भी क्वीन में सच में कोई जवाब नहीं है फ्रोजन एरो का। नाइस, ओके, बड़ा ऑकवर्ड जगह में वॉल ब्रेक हो रहा है, बट आई थिंक मेरे पास कोई और ऑप्शन भी है नहीं। ओके, अब मैं अगर यहाँ से फ्लेम फिंगर करता हूँ तो ठीक है, थोड़ा फनल बन जाएगा, फिर मैं डायरेक्टली पूरी आर्मी को डाल सकता हूँ अंदर। ओके, सीसी पुल का वेट कर रहा हूँ, बस मेरे हीलर्स जो हैं वो रेंज से बाहर रहे, टाइम जा रहा है पता है, बट कुछ कर नहीं सकते, वरना फनल नहीं होगा तो कोर में कुछ जाएगा ही नहीं। हेड हंटर, अरे हेड हंटर उड़ी है, कोई बात नहीं, एक और, ओके, आई थिंक क्वीन एक कदम और आगे बढ़ जाए। अरे यार क्या घटिया टाइम पे फ्रीज हुआ है।
चलो फनल तो तगड़ा बना है, बढ़िया। क्वीन एबिलिटी ले लेते हैं के लिए, यहाँ पे एक और फ्रीज। ट्रिपल तो होगा नहीं, श्योर हूँ, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा जा चुका है। बट ऐसे बेस में मैंने देखा है कि अगर ट्रिपल के चक्कर में जाता हूँ ना, तो फिर बाद में ऐसा होता है कि वन स्टार होने का भी खतरा हो जाता है। तो ठीक है कि मैं एटलीस्ट वन स्टार ना हो जाए, ऐसा मैं मेक श्योर करूँ। अरे सीखिंग एयर माइन भी रहने का जगह नहीं था उसको। परफेक्ट किंग एबिलिटी 16 सेकेंड्स। कुछ टाइम और मिल जाता तो काम हो जाता, बट जो है सो है। अगर मैं हड़बड़ाता तो और प्रॉब्लम हो जाता। 96 96। सैड यार, आज का दिन थोड़ा सा टाइम फेल्स ही टाइम फेल्स हो रहे हैं। ओके तो फ्रेंड्स, फाइनल एक टाइम और जाएंगे, और भाई इस बार एक ट्रिपल चाहिए। ओके नीचे से जाएं, मार बड़ा पड़ेगा, मार पड़ेगी, बट अगर आप देखोगे तो वैल्यू भी अच्छी है। जाते हैं, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। यहाँ पे ये, यहाँ पे क्वीन, बढ़िया। एक और नाइस, यहाँ पे वन वन टू, ओके फाइन। वॉल ब्रेक एक यहाँ, हेड हंटर स्ट्रेच दिस। ओहो लेट हो गया। लेट हो गया रे बाबा, लेट हो गया रे। अब वही प्रॉब्लम है कि क्वीन को बचा के रखना है कुछ भी हाल में। शांत हो जा भाई, इतना मार मत, इतनी पिटाई भी अच्छी नहीं। ओके वी गोइंग फाइन। एक हेड हंटर, वार्डन एबिलिटी, कम ऑन। क्वीन बड़ी अच्छी जगह में आई है, मुझे बस क्वीन को बचा के रखना है ताकि मुझे मल्टीज मिल जाए। एक और मल्टी है, वो भी मिल जाएगा। कम ऑन, टाउन हॉल को फ्रीज करेंगे। लेट्स रेज द क्वीन। ओ यस, ओ यस, ओ यस। यहाँ पे इसको फ्रीज करेंगे, इसको यहाँ। लेट्स रेज दिस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन किंग। एक शॉट और, नहीं फिनिक्स भी नहीं है क्वीन पे। ओके ठीक है, वी आर चिलिंग, वी आर गोइंग ग्रेट। बस ये जो पॉइजन है ना, ये मेरे हॉग्स को, नो वही मैं सोच रहा था कि ये जो पॉइजन है ना, ये मेरे बेचारे हॉग्स को छोड़ेंगे नहीं, और वही हुआ। बट वी आर गोइंग गुड, 34 सेकंड्स है हमारे पास। आई थिंक हम ये पुल कर लेंगे। एक मिनियन है हमारे पास, यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। कम ऑन लेट्स गो यटीज, कम ऑन वार्डन क्लच इट, कम ऑन लेट्स गो। एक और टाइम फेल नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी करो, कम ऑन इस अटैक को बचाओ प्लीज। हो गया हो गया हो गया। ओ भाई, इतने सारे टाइम फेल्स के बाद फाइनली, एंड हियर वी गो। ओके तो इस बार हमें कितना मिला बोनस? ओके 259। तो इस बार भी मैंने दो रॉकेट लून से यूज किए। अच्छा, ट्रिपल होने से ज्यादा मिल रहे हैं, फिर बोनस भी ज्यादा मिल रहा है। कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा, अभी तक फिगर आउट किया नहीं है।
हाँ तो मैं बात कर रहा था टाइम फेल्स की भाई, आज देखो 94, 97, 170, 96, 96, भाई आज बहुत सारे टाइम फेल्स हो गए यार। बट कोई बात नहीं, होता है, कुछ कुछ एक ऐसा दिन आता है जब आप थोड़े अटैक्स जो है वो थोड़े इधर उधर जाते हैं। बट आई होप आपने वीडियो एंजॉय करी, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अच्छे रहें एंड जल्द से जल्द अपने इवेंट्स कंप्लीट करें, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, अच्छे रहें एज ऑलवेज, जय हिंद, बाय।